लेसन में हमने सीखा था कि हमने रेडियो फुटर कैसे बनाना है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ओपन चैप्टर स्पान, तो ये पेजेस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप इनको देखने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसके बाद। मैं आपको ऐसा हाल बताऊँगा कि आप मुझे कुछ भी नहीं करना और आपका प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पर डॉक्यूमेंट के आपके सामने आ जाएंगे। चलें ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपने ब्लावर के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है, आपने यहाँ पे लिखना है google.com। google.com पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये वेबसाइट आ गई। आपने यहाँ से नीचे आ जाना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अपनी कंपनी का आप नाम लेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है फिटनेस फ्रीक। दूसरा आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है फिटनेस फ्रीक। अब आपने क्या करना है, आप अपने वेबसाइट के लिए URL लेना, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के URL में पेस्ट कर देना, सिंपल नेक्स्ट कर देना। इन सब को आपने नो यहाँ से नेक्स्ट कर देना। कंट्री आपको सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको कंट्री है। मेरा पाकिस्तान है तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना। स्टेट जो भी आप लगा सकते हैं ना, जिस भी प्रोविंस से आपका ताल्लुक है आपका नाम वहाँ पर लगा सकते हैं। मैं पंजाब लगाऊंगा। ईमेल एड्रेस जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, आप अपना ईमेल एड्रेस लगा सकते हैं फिटनेस पार डेली @gmail.com। जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये देखें ना दें, ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बिल्कुल तैयार हो गया, आपके सामने पेश हो गया। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसको करना है कॉपी टू टेक्स्ट को। ये कॉपी करने के बाद आपने ब्लॉगर पे आ जाना है। यहाँ पे आपने पेजेस पे आना है। पेजेस पे आने के बाद आपने मेल पेज पर क्लिक करना है। इसको आपने नाम देना है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी का आपने नाम देने के बाद आपने इसके ऊपर आना है। पेन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ करना है HTML व्यू। इस सब को आपने रिमूव कर देना है और यहाँ पे करना है Ctrl V। कंट्रोल वी करने के बाद कुछ पेज की सेटिंग होती है जिसको आपने ये डू नॉट अलाउ कर देना है। डू नॉट अलाउ करने के बाद अब आप कंपोज व्यू पर क्लिक करें। ये देखें, आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बिल्कुल तैयार हो गया। आपने आप इसको पब्लिश कर देना, कंफर्म कर देना। अब कंफर्म करने के बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ तैयार हो गया। यहाँ से आपने इसका लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपने लेआउट पर आना है। लेआउट के आने के बाद आपने ये देखें, टॉप नेविगेशन में जो आपका मेन्यू था उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी, ये देखें, इसको आपने एडिट करना है और यहाँ पे आपने अपने लिंक को कर देना है पेस्ट। इसके बाद आप कर देंगे इसको सेव। आप अपनी वेबसाइट पर आप इसको रिफ्रेश करें, प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करें। ये देखें, ये आपका पेज आपके तैयार हो गया। नेक्स्ट हमने बनाना है टर्म्स एंड कंडीशन का पेज। सिंपल आपने क्या करना है, गूगल पर आना है, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर .com वेबसाइट पे आने के बाद आपने क्या करना है, कंपनी का नाम देना है
फिटनेस के लिए वेबसाइट का नाम देना, वेबसाइट का नाम दे दीजिए, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, स्टेट, पंजाब, ईमेल एड्रेस, ये देखें ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन का पेज तैयार हो गया। उसी तरीके से आपने कॉपी करना है, वेबसाइट पर आना है, ब्लॉगर पेजेज में आना है, लीव पेज करना है, टर्म्स इसका नाम हो गया, HTML वीडियो पर आ गया, सारे में कर देना कंट्रोल की, पेज सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना, दोबारा देखेंगे, ये देखेंगे आपका टर्म्स एंड कंडीशन का पेज तैयार हो गया, पब्लिश कर देंगे, डन कर देंगे। अब क्या करेंगे, लिंक लगाना, लिंक लगाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे, लेआउट में आएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, कंट्रोल भी यहाँ पे रखेंगे, सेव आगे रिफ्रेश करें वेबसाइट को, ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज तैयार हो गया, ठीक है। अब आपने डिस्क्लेमर का पेज तैयार करना है उसी तरीके से, डिस्क्लेमर जनरेटर और ब्लॉगर, ये वेबसाइट है, उसी तरीके से आपने अपना सब कुछ यहाँ पर डाटा एंटर करना है, नेक्स्ट करना है, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, पंजाब, ये देख कितने आसानी से आपके सारे पेज तैयार हो गए, कॉपी करेंगे, पेजेस में आएंगे, न्यू पेज बनाएंगे, इसका नाम लिखना है इसके लिए हमारे लिए, HTML व्यू, इसको आपने रिमूव कर देना, रिमूव करने के बाद कंट्रोल भी करेंगे, ऑप्शन में आ गया आपने पेज से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल व्यू पे देखना चाहें तो ये देख इसको पब्लिश कर देंगे, इसके लिए मतलब यहाँ से व्यू करके आपने इसका URL कॉपी करना है, अपने लेआउट में आने के बाद आपने डिस्क्लेमर के कंट्रोल भी करना है, सेव करना, सेव करना, वेबसाइट पर आए रिफ्रेश करें, डिस्क्लेमर के लिए तो जैसे कि आपका डिस्क्लेमर तैयार हो गया, आसानी से मैंने आपको समझाया, उम्मीद है आपको ये इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने की समझ आ गई होगी, हर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कॉन्टैक्ट और स्पैम कैसे बनाते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर वीडियो जरूर कीजिएगा।